हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी डिप्लोमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में फीडिंग एंड सेक्शन अरेंजमेंट क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। फीडिंग एंड सेक्शन अरेंजमेंट यह एक ऐसा अरेंजमेंट होता है रेलवे में जो कि हमें यह बताता है कि हमारा जो ट्रेन है वह किस तरीके से अपना सिंगल फेज सप्लाई लेता है थ्री फेज सप्लाई से। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ट्रेन है वह लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाता है। तो इस सिचुएशन में उसे कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग राज्यों के ग्रिड को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि वह कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे सके। बट हम लोग यह भी जानते हैं कि जो ग्रिड के द्वारा जो पावर सप्लाई मिलता है वह हमारा थ्री फेज में होता है और जो हमारा ट्रेन होता है उसे सिंगल फेज 25 किलोवोल्ट चाहिए होता है ट्रेन को चलने के लिए। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हमारा ट्रेन केवल एक ही फेज की सप्लाई को लेगा, मतलब कि अगर केवल आर फेज की ही सप्लाई को लेकर के अगर हमारा ट्रेन सोचेगा कि पूरी लंबी दूरी तक तय करे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अनबैलेंस लोडिंग होगा जिसके कारण हमारा जो ट्रैक्शन का मोटर है वह ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा ट्रेन केवल आर फेज की वोल्टेज को लेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो अदर दो फेज है वाई और बी फेज है इसके ऊपर तो कोई भी लोडिंग नहीं होगा, जिसके कारण हमारा जो सारा लोड है वह आर फेज के ऊपर ही आ जाएगा और इसके कारण जो ट्रैक्शन का मोटर है वह ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में ट्रेन के लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीनों फेज पर हम लोग फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट का यूज करते हैं। यह जो है यह हमारा फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट का डायग्राम है। यह जो ऊपर में थ्री लाइन आप देख रहे हैं यह हमारा थ्री फेज सप्लाई है जो कि हमें ग्रिड के द्वारा मिलता है। यह हमारा ट्रैक है जिस पर हमारा ट्रेन चलता है। यह हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो कि हमारे वोल्टेज को ट्रेन के चलने वाले वोल्टेज तक कन्वर्ट करता है। यह जो ऊपर में जो वायर है यह हमारा कॉन्टैक्ट वायर है जिससे कि हमारा ट्रेन का पेंटोग्राफ टच होकर पावर लेता है और जो नीचे में है यह हमारा ट्रैक से कनेक्ट होता है। यह जो है हमारे ट्रेन को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है। इस अरेंजमेंट हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रैक होता है उसके बगल में सब स्टेशन को बैठाते हैं और जो दूरी होती है सब स्टेशन के बीच में वह 90 किलोमीटर की होती है। यह जो दूरी होती है सब स्टेशन के बीच में वह डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्रैक है वह उसका डेंसिटी कैसा है। मतलब कि वह ट्रैक अगर ऐसा हो जिस पर बार बार ट्रेन आती जाती हो तो उस समय क्या होती है कि जो दूरी होती है दो सब स्टेशन के बीच में वह घट जाती है। नहीं तो ऐसे आमतौर पर जो दूरी होती है दो सब स्टेशन के बीच में वह 90 किलोमीटर की होती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा ट्रेन ए सब स्टेशन से बी सब स्टेशन तक जाता है तो उस समय क्या करेगा कि वह आर फेज की सप्लाई को लेकर के चलता है और जब हमारा ट्रेन बी सब स्टेशन से सी सब स्टेशन की तरफ जाता है तो वह वाई फेज के वोल्टेज को लेकर चलता है और जब हमारा ट्रेन सी सब स्टेशन से डी सब स्टेशन की तरफ जाता है तो उस समय वह क्या करता है कि जो बी फेज होता है वोल्टेज का उसे लेकर के वह चलता है। और इसी तरीके से जो हमारा थ्री फेज सप्लाई होता है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे ट्रेन के पास। मतलब कि हमारा ट्रेन 90 किलोमीटर तक आर फेज के वोल्टेज को लेकर चलेगा, फिर उसके बाद जब 90 किलोमीटर आएगा तो वह वाई फेज के वोल्टेज को लेकर चलेगा और उसके बाद जब 90 किलोमीटर जाएगा तो वह बी फेज के वोल्टेज को लेकर चलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो थ्री फेज सप्लाई है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।